भाई ये देख, मुझे अपने हाउस के बाहर गार्बेज के अंदर एक वीडियो टेप मिला है। मैंने सुना है इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं। अरे वाह भाई, तूने बहुत ही अच्छा काम किया। तू फटाफट इसको टीवी के अंदर लगा दे, मेरे से तो इंतजार ही नहीं हो रहा है भाई। हम लोग गेम खेलेंगे, GTA 5 एंड माइनक्राफ्ट, बहुत ही मजे करेंगे। हाँ लेकिन ये टीवी में तो कुछ और ही आ रहा है, ये तो कोई मॉन्स्टर है। अभी ये इसके शरीर पे कितना सारा खून लगा हुआ है इसकी बॉडी के ऊपर, ये है कौन? ये तो मेरे को बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा है भाई। पता नहीं ये कौन है, एंड मैं ये वीडियो टेप तो गेम के लिए लाया था। पता नहीं ये स्कैरी मॉन्स्टर क्या कर रहा है हमारे टीवी के अंदर। हाँ यार, ये यहाँ पे क्या कर रहा है आखिर? कोई इसे यहाँ से भगाओ प्लीज, टीवी बंद करो फटाफट यार। ओके लेकिन भाई ये कौन था यार? तू वीडियो टेप कहीं और से उठाकर तो नहीं लेके आ गया? भाई मेरे घर के सामने मेरे को पड़ा मिला। वेट, ओ माय गॉड भाई, ये तो सच में आ गया हमारे घर के बाहर। जल्दी भागो यार, ये तो आ चुका है, जल्दी भागो यहाँ से फटाफट। ओ माय गॉड, ये तो कहाँ से आ गया भाई? जल्दी निकलो यहाँ से, निकलो फटाफट, जल्दी भागो, ये तो हमारे पीछे ही आ गया। अरे भाई भाग भाग, जल्दी भाग यार, हम लोग गए, हमें सामने अपने घर के अंदर जाना पड़ेगा। अगर हमें अपनी जान को बचाना है तो जल्दी घर में भागो, जल्दी जल्दी गेट खोलो, बंद करो बंद करो। हाँ ओके, सो भाई हम लोग अपने घर में आ चुके हैं एंड यहाँ पे हम लोग सेफ हैं। लेकिन ये खतरनाक सा मॉन्स्टर हमारे गेट के बाहर ही खड़ा हुआ है। चल भाई ऊपर चलते। लेकिन वेट गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है घर के अंदर। कौन है पीछे? हाँ अबे शिट, भागो यहाँ से, जल्दी भागो, ये तो नीचे आ गया। लेकिन मेरा भाई कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ चला गया यार। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई को ना उस खतरनाक से मॉन्स्टर ने कहीं पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पर कहीं है नहीं मेरा भाई। भाई तू कहाँ पर है प्लीज बता मेरे को, मेरा भाई यहाँ पे कहीं भी नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ ये क्या है? हाँ गाइस मुझे जाना पड़ेगा ऊपर घर के अंदर, मुझे गाइस चेक करना पड़ेगा अपने सिक्योरिटी रूम से अपने घर के नीचे कि आखिर वो मॉन्स्टर नीचे क्या कर रहा है एंड क्या मेरा भाई नीचे है या फिर नहीं। क्या उस मॉन्स्टर ने मेरे भाई को बंदी बना के रखा है या फिर नहीं, मुझे सब कुछ चेक करना पड़ेगा। मेरा भाई एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है, मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तो चलो फुटेज देखना शुरू करते हैं फटाफट से कि नीचे क्या हो रहा है। हाँ ये देखो, अबे इस खतरनाक से मॉन्स्टर ने मेरे भाई को जेल के अंदर बंद कर रखा है। और ये देखो बेचारा मेरा भाई कितना परेशान है अंदर, एंड ये मॉन्स्टर उसे मार रहा है। ओ माय गॉड यार, प्लीज छोड़ दे उसको मॉन्स्टर। अबे अबे दानव छोड़ दे मेरे भाई को, उसने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज छोड़ दे उसको। शिट यार। सो गाइस आप लोगों ने देखा ना कि मेरा भाई कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, मुझे अपने भाई को बचाना ही पड़ेगा चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। ये रहा मॉन्स्टर। अरे भाई मैं नीचे जाऊं या फिर नहीं? अबे यार मैं नीचे नहीं जा सकता, शिट। ओ नो गाइस, ये देखो क्या हो गया मुझे, मुझे उसी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया। गलती से मैं जीने पे भाग रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, उसने मुझे पकड़ लिया एंड पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहा है, पता नहीं शायद जेल में बंद कर रहा है। हाँ ये देखो मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, मैं एक जेल के अंदर बंद हो चुका हूँ एंड मेरा भाई पीछे खड़ा हुआ है जो कि एक जेल के अंदर बंद है। गाइस हम दोनों यहाँ पर बंद हो चुके हैं। भाई तू कब आ गया यहाँ पे? मुझे तो लग रहा है वो हम दोनों को साथ साथ यहाँ पे लेके आया है प्रिजन के अंदर। भाई तुझे पता है उस मॉन्स्टर ने मुझे इतना मारा एंड वो मुझसे पूछ रहा था कि तेरा भाई कहाँ है, लेकिन भाई मैंने उसको तेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। बहुत ही अच्छा किया तूने भाई, लेकिन वो देख सामने क्या हो रहा है, एक विलेजर खड़ा हुआ है सामने एंड उसके पीछे वही मॉन्स्टर आ रहा है उसे खाने के लिए। अबे विलेजर, ओ नो, उसने उसे पानी के अंदर धक्का दे दिया एंड पानी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े
पता नहीं कौन से जानवर हैं यार पानी के अंदर रहने वाले। भाई ये तो क्रोकोडाइल लग रहे हैं, मगरमच्छ। हाँ ये क्रोकोडाइल है। एंड भाई मुझे लग रहा है अगला नंबर मेरा ही है एंड उसके बाद तेरा। हाँ यार तू शायद सही कह रहा है। एंड पानी के अंदर बहुत सारे ड्रैगन भी हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जो कि इस मॉन्स्टर ने पाल रखे हैं ऐसा के एक्वेरियम की तरह भाई। लेकिन भाई अब हमें कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा उसके आने से पहले, वरना भाई हमारा ही वही हाल होने वाला है जो उस ब्लेजर का हुआ है। हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? वेट, यहाँ पे निकलने का रास्ता है तो, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा यार। मेरे को ऊपर पहुँचने के लिए कुछ रखना पड़ेगा। देखो मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ यार, मैं यहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ भाई, मैं क्या करूँ? अरे भाई मेरे पास एक आइडिया है, तेरे साइड में एक ब्लैक कलर का बेड रखा है ना, उसका यूज कर सकता है तू इजीली। ये देख साइड में है, ये अपने उसके नीचे लगा है, एंड फिर तू जंप कर आराम से, तू पार कर लेगा इसको, मतलब चढ़ जाएगा ऊपर। अरे वाह यार तू तो बहुत ही होशियार हो गया यार, तू इतना होशियार कैसे हो गया? अरे ये देख मैं ऊपर आ चुका हूँ। अरे वाह भाई तू वेट कर, मैं तेरे को यहाँ से बाहर निकालता हूँ बहुत ही जल्द। ओके भाई ये देख तू बाहर आ चुका है, भाई हम दोनों बाहर निकल चुके हैं। ये भाई ज्यादा खुश मत हो, वो मॉन्स्टर कभी भी आ सकता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा भाई, जल्दी से। हाँ भाई ये देख पानी के अंदर कितने सारे ड्रैगन्स हैं बड़े बड़े, उनसे बच के रह प्लीज। ओके तो भाई सामने एक रास्ता है भागने का, लेकिन ये रास्ता काफी डरावना और बहुत ही खतरनाक है। हमें अभी क्या हुआ तेरे को? भाई पीछे देख, वो शायद कोई तो आ रहा है यार, कुछ आवाजें आ रही हैं। चलो छोड़ो भाई यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, ये ड्रैगन कितने ज्यादा बड़े हैं। हाँ यार तूने देखा ना ड्रैगन को? भाई कितने बड़े ड्रैगन हैं, ये किसी को भी एक ही बारी में खा सकते हैं भाई। इस मॉन्स्टर, भाई ये मॉन्स्टर कितना खतरनाक है यार, इतने मतलब इसने अपने से ज्यादा खतरनाक तो ड्रैगन पाल रखे हैं, तो ये कितना खतरनाक होगा भाई। अभी तो हम लोगों ने इसे फाइट भी नहीं करी है, पता नहीं कितना स्ट्रांग होगा। लेकिन भाई हमें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, हमें एकदम शांत रह के यहाँ से निकलना चाहिए। अरे लेकिन वो तो आ रहा है हमारे पीछे, जल्दी भाग यार, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बातें कर रहे हैं हम लोग, जल्दी भाग, वो मॉन्स्टर हमारे पीछे आ रहा है, लेट्स गो। अबे यार कहीं वो हमें पकड़ ना ले दोबारा से, उसने हमें अपने जेल से भागते हुए देख लिया है। ओ शिट भाई यार उसने हमको देख लिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम उससे बहुत ज्यादा आगे हैं। अबे यार वो तो हमारे पास में ही आ गया। ओ नो भाई ये कौन सी जगह है, चलो इसमें ही चलते हैं। भाई यहाँ छुपते हैं, वो सामने चला जाएगा। ओके हम लोग यहाँ पे छुप गए और वो सामने निकल गया, ये बहुत ही अच्छा मौका है। वो देख वो सामने ही जा रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर एक रास्ता, ये देख भाई यहाँ एक रास्ता भी है भाई, तो सीक्रेट रास्ता लग रहा है, लेकिन ये शायद हमें सीधा ऊपर पहुंचा देगा, देखते हैं भाई चल के। हाँ भाई देखते हैं हम लोग कहाँ पहुंचेंगे। ओके यहाँ पे एक डोर है। हाँ अरे वाह भाई हम लोग यहाँ से बाहर निकल आए, एंड मुझे एक गन मिल चुकी है बहुत ही बढ़िया वाली, एंड इससे मैं उस मॉन्स्टर को, अबे ये तो यहाँ पर आ चुका है मॉन्स्टर, इससे बच कर है भाई। अबे ये तो मेरे को मार रहा है। अबे मॉन्स्टर के बच्चे तू मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं आज, तू चाहे मेरे से कितना भी ज्यादा ताकतवर हो एंड मोटा हो, लेकिन तू मेरे को जानता नहीं है। ये देख भाई मैंने इसको मार दिया। अरे वाह यार तूने सच में इसको मार दिया भाई, मजा आ गया यार। हाँ गाइस ये न्यूज़ में क्या आ रहा है सुबह सुबह रेडियो के अंदर यार, कि बहुत सारी शहर के अंदर किडनैपिंग्स हो रही हैं, मतलब अपने आप को बचा कर रखो। लेकिन गाइस मुझे डर लग रहा है कि मैं अपने भाई से पता है एक हफ्ते से नहीं मिला हूँ, वो अपने घर में अकेला ही रह रहा है, कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गया, या फिर वो सेफ है या फिर नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा उस घर पे जाके। यार मैं जा रहा हूँ चेक करने के लिए, मेरे भाई मैं आ रहा हूँ यार, कहीं मेरे भाई किडनैप तो नहीं हो गया, चलो देखते हैं फटाफट जाकर यार, मुझे लग रहा था वो काफी दिनों से घर से बाहर नहीं निकला है। चलो देखते हैं इसके अंदर भाई क्या हो रहा है आखिर। हाँ भाई गेट खोल। अबे गेट खोल भाई, मैं तेरे गेट पर खड़ा हुआ हूँ, जल्दी गेट खोल। हाँ गेट तो खुला हुआ है यार, ये क्या हो गया? मेरा भाई यहाँ पर नहीं है गाइस। और ये क्या है यहाँ पे, और ये कौन है भाई, स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे एक। लेकिन छोड़ो यार भाई, मैं चेक करता हूँ घर में आके मेरा भाई कहाँ चला गया। हेलो ब्रदर कहाँ पर है तू,
ये देख मैं तेरे लिए गाजर लेकर आया हूँ। कहाँ पर है यार फिट? प्लीज़ बाहर निकला प्लीज़ यार, कहाँ पर है तू? गाइज ये क्या हो गया? मेरा भाई तो इस घर में नहीं है, इसका मतलब कि वो किडनैप हो चुका है। हेलो गाइस, सो कैसे हो आप लोग? सो आज मैं और मेरा भाई माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा भाई कहाँ पर है। तो मेरा भाई बन के आ चुका है आज एक मिनियन। हाँ भाई, मैं बना हूँ आज मिनियन। तो ब्रो, तू सोकर उठ चुका है ना? लेकिन अभी तो रात ही हो रही है। अबे ओ ये गेट विंडो पे कौन है ब्रो? नीचे देख, विंडो पे कौन है? वो देख, यहाँ पे भी, फटाफट नीचे आ। वो देख विंडो पे। हाँ, वो कहाँ गायब हो गया? अरे वो था, मेरे विश्वास कर। कौन था भाई तू? वेट, ये कौन है? ओ भी बॉय, भागो 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 यहाँ से। ये कौन था वाइट? वो एक वाइट घोस्ट था जो कि रात में हमारे घर के चारों ओर मंडरा रहा है। ओ माय गॉड, वो हमारे घर में आने की, मतलब घर में आने के लिए वो इच्छुक है बहुत ही ज़्यादा। वो अंदर आने की कोशिश करने वाला है, एंड हमारे दो और दोस्त बाहर से आ रहे हैं ब्रो, हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। भाई मैंने पुलिस को कॉल करा था तो पुलिस आ चुकी है, एंड मैंने इनको सारी की सारी बातें बता दी है कि हमारी विंडो से एक वाइट घोस्ट झांक रहा था, तो ये लोग अभी चेक करने वाले हैं। हाँ ठीक है, लेकिन पुलिस तेरी पुलिस का, ओ शिट, ये घूम रहा है वाइट घोस्ट बाहर, एंड मेरे हिसाब से उसने पुलिस को मार दिया है। जल्दी भागो बेसमेंट के अंदर। ओके, लेकिन ब्रो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? भाई तू बस मेरे पीछे पीछे आता जा, मैं दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे वाइट घोस्ट नहीं आ पाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी दूसरी दुनिया में, मतलब दूसरी जगह से निकल चुके हैं। तो यहाँ से फटाफट आ जा एंटरपल डाल के। ठीक है ब्रो मैं आ रहा हूँ, लेकिन जाना कहाँ पे है? वहाँ पे रुक, मैं आता हूँ। अरे वाह ब्रो, हम लोग आ चुके हैं एक मेज के अंदर, और ये एक बहुत ही खतरनाक मेज है यार। हाँ भाई, ये बहुत ही खतरनाक मेज है, एंड मुझे लग रहा है कि वाइट घोस्ट आने वाला है, क्योंकि वो ऊपर आ चुका है जहाँ से हम लोग आए थे अभी। तो अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा मेज के, लेट्स गो। क्या बात कर रहा है भाई, वो आ चुका है यहाँ पे, ऐसा मत बोल प्लीज। लेकिन ये क्या है यहाँ पर? तो एक खतरनाक सा डोर है, इसके अंदर जो भी जाएगा वो मर जाएगा लावा के अंदर। लेकिन ब्रो, ओ शिट, इसके अंदर तो मोमो गर्ल है। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये मोमो गर्ल अब कहाँ से आ गई? मतलब पहले वाइट घोस्ट, अब मोमो गर्ल, मतलब हमारे साथ क्या होगा? ओके ऑल राइट गाइस, मैं और मेरा भाई यहाँ पे आ चुके हैं। हम लोग एक पोर्टल से होकर न्यू विलेज में आ चुके हैं, एंड यहाँ पर न्यू विलेजर्स हैं। हेलो विलेजर, कैसा है तू? ये ले, कुछ रख ले, एंड हमको प्लीज इस विलेज में रहने दे। लेकिन इस विलेज में भी आ चुकी है चुड़ैल मोमो गर्ल, एंड विलेजर उसको मारने की कोशिश कर रहा है। भाई वो विलेजर गया है फाइट करने के लिए, एंड अब हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो मैं तो जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। चल तू सो गया अभी? रुक तो जा, मेरे को तो सोने दे। चल मैं भी सोता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो सुबह हो चुकी है। चलो हाँ, अबे विंडो पे खड़ा है वाइट घोस्ट ब्रो, पीछे देख। हाँ मैंने देखा उसको, वो पीछे ही आ रहा है हमारे, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं तो यहाँ छुप जाता हूँ। जल्दी ब्रो उसके ऊपर चल। ओ माय गॉड यार, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया वाइट घोस्ट, मतलब वहाँ से यहाँ भी आ गया। लेकिन यहाँ पे मोमोगल भी आ गई थी, वो हमारे विलेज में मंडरा रहा है दोबारा से। अबे वो सामने खड़ा है, भागो, उसने हमें देख लिया। ये कौन सी जगह है? ये कहाँ गए हम लोग? अरे ये सीक्रेट केव है क्या? हाँ भाई, ये विलेजर्स की सीक्रेट केव है, एंड हम लोग यहाँ से भाग भी सकते हैं। तो माइनक्राफ्ट से एक एक करके सब लोग जाओ आगे। ओके तो चलो फटाफट चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके वैसे मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, लेकिन मेरे को डर लगना चाहिए। लेकिन अबे ये हम लोग, अबे भाई, अबे ये क्या है यार? यार ये कहाँ पर आ चुके हैं भाई? आराम से, ये नीचे खाई है बहुत ही गहरी वाली, वो कहाँ रह गया? तीसरा बंदा कहाँ रह गया? आ रहा है क्या वो? अबे भाई वो नहीं आ रहा है क्या? हाँ भाई पता नहीं वो कहाँ रह गया। चल वेट, वो रहा सामने, एंड इसको यहाँ पे किसी ने टांग के रखा है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है?
पता नहीं यार, ये यहाँ पे इसको किसने टांग के रखा हुआ है भाई। ये तो लावा के नीचे टंगा हुआ है, जैसे ही नीचे गिरेगा ना तो ये लावा के अंदर मर जाएगा। हाँ भाई ये मर जाएगा, पहले मैं इसको बचा लेता हूँ। ओके मैंने इसको स्टोन लगा के बचा लिया है। भाई बता तेरे साथ किसने ऐसा कर दिया, तुझे किसने टांग दिया यहाँ पे? अबे वो देख, वो देख मुंह मुंगल आ चुकी है भाई, कुछ कर। और उसके पास विलेजर का सर भी है, जल्दी भाग यहाँ से ब्रो, वरना वो हमें जान से मार देगी। उसने हमारी लोकेशन भी देख ली है, लेकिन भागे तो भागे कहाँ। अबे तेरे को ये सारे रास्ते पता कैसे है, बंद कर इसको फटाफट। अरे वाह, अच्छा वो तूने ये बंद कर दिया। हाँ भाई, तो चल अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है कैसे भी करके, क्योंकि अब हम लोगों ने मोमो गर्ल को वहाँ पे बंद कर दिया है। हाँ तू सही कह रहा है, वहाँ बंद हो चुकी है मोमो गर्ल, एंड हमको निकलना है यहाँ से बाहर। एंड आई थिंक हम लोग इस गेट से बाहर निकल सकते हैं। अरे वाह, हम लोग एक विलेज में आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है गन, एंड मैं इस गन से उस मोमो गर्ल को दोबारा से मार सकता हूँ। लेकिन फिलहाल तू फटाफट इसको बंद कर दे एक बार फिर से। ओके मैंने इसको बंद कर दिया है, एंड मोमो गर्ल भी आगे बंद है, तो अब हम लोग यहाँ से आराम से मार सकते हैं इजीली। अरे वो आ रही है भाई, उसको मारता हूँ उसको भी। वो तो अपना कवर कर रही है भाई, वो देख अपने आप को। लेकिन फिर भी मैंने उसको मार दिया है। वाओ ब्रो, मोमो गर्ल मर चुकी है। हाँ भाई मर चुकी है मोमो गर्ल, तो अब हम लोगों ने मोमो गर्ल को भी मार दिया है, तो यहाँ से चल निकलते हैं। चल मैं खिड़की तोड़ता हूँ, फिर यहाँ से निकलेंगे फटाफट। हाँ यार, वैसे भी नीचे एक विलेज है, इसी के अंदर थोड़ा स्टे करते हैं। सो ये विलेज तो काफ़ी खूबसूरत है यार, कितना ही प्यारा विलेज है ये, मेरे को इसको देख के ओ वेट अ सेकंड, यहाँ तो इस विलेज के ऑनर हमको भाई मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन लगता है मेरे को ये ऑनर नहीं, ये कोई डाकू लोग लग रहे हैं। हाँ भाई ये लोग डाकू लोग ही हैं, एंड ये लोग हमारे पीछे पड़ चुके हैं। पता नहीं क्यों भाई, हर बार एक ना एक मुसीबत आ जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि तेरी गन ही नहीं है तेरे पास, तेरी एमओ खत्म हो गई है, एंड वो हमारे पीछे आ रहे हैं, तो अंदर चलते हैं। चलो अंदर जल्दी भाग ब्रो, फटाफट जल्दी। वैसे लावा का ये पार्कर बहुत ही खतरनाक है, आराम से आना यार। अरे वाह तोड़ दे, हाँ फिर वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। तू फटाफट ये ब्लॉक तोड़ दे, फिर वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। ओके मैंने तोड़ दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, वो सामने से नहीं आ पा रहे हैं। यानी पोर्टल कैसा है? सो गाइस ऑल राइट, हम लोग आ चुके हैं इस पोर्टल के अंदर। वाओ, लेकिन ये देख हम लोग आ चुके हैं नेदर के अंदर। और ब्रो यहाँ बहुत ही बड़ा एक घर है किसी का, लेकिन इस घर के अंदर तो कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसी को तो होना चाहिए था, जिससे कि हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ ओ ये तो ओबे शिट, विंडो से वो झांक रहा है। कौन? वही ब्लैक व्हाइट घोस्ट। हाँ भाई व्हाइट घोस्ट, मुझे लग रहा है ये व्हाइट घोस्ट का घर है। एंड वो ओ नो ये मेरे सामने आ चुका है बिल्कुल। अबे छोड़ मुझे, नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दे। ओ शिट गाइस, इसने मेरे भाई को गिरा दिया है उसके लावा के अंदर, एंड ये मेरे साथ क्या कर रहा है? व्हाइट घोस्ट प्लीज मेरे को छोड़ दे, लीव मी व्हाइट घोस्ट, लीव मी प्लीज व्हाइट घोस्ट, मेरे को बंद मत कर ब्रो, मैं इसके अंदर ना मैं मर जा। ओ शिट, मैं तो गया दोस्तों, गया मैं।